हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आ गया हूँ और एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है जो बच्चे इस साल नीट दे रहे हैं और जो बच्चे अगले साल नीट देना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि इस साल मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा या फिर नहीं हो गया, और मैं एक साल का ड्रॉप लेके फिर से ट्राई करता हूँ नीट के लिए। तो जो भी बच्चे ऐसा सोच सकते हैं या फिर ऐसा सोच रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो इस वीडियो का पहला मैंने तीन टॉपिक्स पे डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है ऑनेस्ट रीज़न व्हाई, मतलब आप लोगों के पास कोई ऑनेस्ट रीज़न होना चाहिए। और उसी के साथ मैं बता दूँ, अगर आप लोगों के पास कोई ऑनेस्ट रीज़न नहीं है तो फिर आप लोग नीट के लिए 1 ईयर ड्रॉप मत कीजिए। और उसी के साथ अगला टॉपिक होंगे हमारे रेडी टू सेक्रीफाइस, यानी कि आप लोग एक बार नीट के लिए एक साल ड्रॉप करना तय कर लिया तो आप लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा आप लोगों को। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ डाउट। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ डाउट होता क्या है ये मैं वीडियो में पूरा क्लियर बताऊंगा। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का ऑनेस्ट रीज़न व्हाई, मतलब आप लोगों के पास एक ऑनेस्ट रीज़न होना चाहिए नीट के लिए एक साल ड्रॉप करने के लिए। अब नीट के लिए एक साल आप लोग ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला क्या होता है, अंडर प्रिपेयर्ड, यानी कि आप लोगों का प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हुआ है। तो उसका एक तो तीन रीज़न होता है प्रिपरेशन अच्छा नहीं होने का, एक है थ्योरी वाला पोर्शन, एक है प्रैक्टिकल वाला पोर्शन और दूसरा है रिविजन वाला पोर्शन। बहुत बच्चे थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेते हैं लेकिन रिवाइज के टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों के पास अपना जो वीक पॉइंट है ना, उसको सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वीक पॉइंट पता है तभी आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं एक साल इस वीक पॉइंट पे काम करूँगा, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। देखो, नीट के लिए आप लोगों को थ्योरी, प्रैक्टिकल और रिविजन तीनों अप टू 100 अपना 100% देना होगा इन तीनों में। आप लोग थ्योरी कर चुके हो, प्रैक्टिकल नहीं किया तो भी नहीं चलेगा, और या फिर आप लोग थ्योरी प्रैक्टिकल कर चुके हो और रिवीजन का टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तब भी नहीं चलेगा। और जैसे कि मैं सोर्सेज से पता चला है कि सितंबर मंथ में ही नीट 2021 होने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे इस साल नीट दे रहे हो उनके लिए तो बहुत सारे शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से देना, आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हो हमारे नेशंस के। और जो बच्चे अभी से सोच रहे हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम तो ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, तो आप लोगों के पास टोटली 7 महीना है अभी भी अगले साल, यानी कि नीट 2022 के लिए 7 मंथ्स यू आर हैविंग। सो आप लोगों को ध्यान से समझ के ये डिसाइड करना होगा। देखो, हर कोई मतलब मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मैं भी कर लेता हूँ, मेरा वो मन कर रहा है एक साल ट्राई कर लेता हूँ। भाई, नीट ट्राई करने की चीज़ नहीं है, या फिर किसी दोस्त को देखे ट्रेंड्स की तरह फॉलो करने का भी चीज़ नहीं है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं एक साल या फिर 7 महीने में नीट क्रैक कर सकता हूँ या फिर बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ, तभी आप लोग नीट के लिए एक साल ड्रॉप करना। क्योंकि नहीं तो आप लोगों के लाइफ से, आप लोगों के करियर से, आप लोगों के एडुकेशनल ईयर से एक साल कम हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आप लोगों को हमेशा सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहना होगा। सेक्रीफाइस इन द सेंस, बहुत सारे आपके दोस्त जो आपके साथ घूमते होंगे, क्लासमेट्स होंगे, वो किसी ना किसी कॉलेजेस में या तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे। वो अपने अपने लाइफ में खुश होंगे, वो स्टेटस शेयर करेंगे, स्टोरी शेयर करेंगे कॉलेजेस में, नए कॉलेजेस में जाके। लेकिन आप लोगों को बैठना है अपने घर पे, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। खास करके आप लोगों को आपके लाइफ का 7 मंथ सिर्फ नीट के लिए रखना होगा, उसी में नो फ्रेंड्स, नो सोशल मीडिया, नो नथिंग। अब मैं बात करता हूँ अनफॉर्चुनेट के बारे में। अगर आप खुद से अनफॉर्चुनेट है, जैसे कि इस साल भी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, थोड़ी बहुत सेकेंड वेव ख़त्म ही हो रहा है, वो बोलते ना एक एड देते हैं ना कि कोरोना का हाथी निकल गया है, बस पूछ ही बाकी है। अब उसकी वजह से अगर आप लोगों को फैमिली में कोई टेंशन आ गया हो तो आप लोग उसके लिए ब्रेक ले सकते हैं, या फिर जैसे कि इस साल नीट हो रहा है सितंबर मंथ में और इस मंथ में लगभग इंडिया में मैक्सिमम जगहों पे फ्लड्स रहते हैं,
तो उस रीजन हो सकते हैं आप लोगों को 1 साल ड्रॉप करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा बारिश हो गया और आप लोग ड्रॉप कर दिए। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है अपने आप पर तो ही आप लोग ड्रॉप कीजिए, नहीं तो मत ड्रॉप कीजिए। आप लोग एडमिशन ले लीजिए, बहुत सारे कोर्सेस हैं साइंस से में ही रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगा नेगेटिव मार्किंग की। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 0.5% नेगेटिव मार्किंग है तो क्या कर लेंगे। भाई ये नेगेटिव मार्किंग जो होता है ना नीट में, वो सबसे ज़्यादा खास होते हैं। क्योंकि आप लोग अगर 10 सही मार्क्स किए हो आप लोगों को 40 मार्क तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ आप लोग अगर 10 नेगेटिव मार्क किए हो तो आप लोगों को वहाँ से भी माइनस मार्क्स 40 से कम होते जाएंगे। जैसे कि 4 आंसर रॉन्ग होने से 1 मार्क काटता है, तो 40 में आप लोगों को 2.5 मार्क काट लिए जाएंगे आप लोगों को अगर 10 क्वेश्चन होता है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को। बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज्ड तो होना है आप लोगों को नीट के लिए। अभी मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग एक बार डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे ड्रॉप करना है, हाँ इस साल मैं नीट दे रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं नीट के लिए पूरा प्रिपेयर्ड होकर बैठूंगा 2022 में, तो आप लोगों को एक हमेशा रखना होगा कि अपना जो कॉन्फिडेंट है ना उसको हमेशा ऑन रखना होगा कि हाँ भाई मैं बैठूंगा। ऐसा नहीं कि बीच में अचानक डाउट आ गया, अरे मैं क्या कर दे, ये नहीं चलेगा। एक बार ले लिया तो ले लिया। और उसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 1 साल ड्रॉप लेके इस साल दे रहे हैं, मतलब 2020 में आप लोग एक बार दे चुके हैं, अच्छा नहीं गया तो 2021 में दे रहे हैं, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ अगर आप लोग 1 साल ड्रॉप ले चुके हैं तो ट्राई कीजिए कि आप लोग इस साल में नीट क्रैक करने के लिए। भाई नीट अटेम्प्ट कर सकते हैं 4 बार शायद, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को 4th अटेम्प्ट में जाके नीट मिलेगा। आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोगों को 1st अटेम्प्ट में मिल जाएंगे, अगर उसमें नहीं आया तो 2nd अटेम्प्ट में तो मिलना ही चाहिए। और अगर मैं बता दूं, अगर आप लोग 1 साल का ड्रॉप लेने वाला है तो खास करके आप लोगों को, जैसे कि आप लोग रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप लोगों का जो लोकेलिटीज है या फिर आप लोगों का जो पेरेंट्स है उनसे भी एक बार शेयर कर लेना। ऐसा नहीं कि आप लोग खुद अपने मन में एक बात सोच रहे और आप लोगों का पेरेंट्स कुछ और सोच रहे, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीट की, तो नीट एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ आप लोगों को 100% होना चाहिए आप लोगों का। क्योंकि आप लोग हमारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं, आप लोगों को नेक्स्ट टू गॉड माना जाएंगे आप लोगों को। तो ऐसा नहीं कि आप लोग तुक्के लगा दिए और नीट क्रैक कर लिए, भाई नहीं होता है तुक्के से नीट। तो अगर आप लोग 1 साल के लिए ड्रॉप करना चाहते हो आप कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। और उसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टेटस में, अपने स्टोरीज में। थैंक यू।